हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लेकर आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेवेंथ पार्ट, जिसमें हम आपको डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में कि क्या दिया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने। फिर उसके बाद जब एक हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेट के पास रख देंगे, हॉर्सू मैग्नेट के पास, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, ये निकालने का तरीका। और ये निकालने का तरीका है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ किससे डिनोट करते हैं, बी से, ये सारी चीजों का डिस्कस करेंगे। उसकी यूनिट टेस्ला होती है और हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे बताते बताते कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, कितना लग रहा है, कैसा लग रहा है, सारा चीज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मेरा नाम है प्रभात रंजन, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल फ्री लर्नर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड और न्यूमेरिकल्स टू फाइंड द फोर्स व्हेन द करेंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कितना फोर्स लगेगा वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग ने बोला कि तीन उंगली आप निकाल लो, थंब, कौन सा थंब, ठीक है सर, थंब बना देते हैं छोटा सा। आप फोर फिंगर, उसके बाद मिडिल फिंगर, ऐसा निकालो तीन थंब और इस तरीके से निकालो कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी तीनों, ये इधर, ये ऊपर, मतलब ऐसे अगर समझे तो 3D व्यू में ऐसे ऐसे और ऐसे, एक्स वाई जेड होता है ना, एक्स वाई जेड 3D जब पढ़ेंगे 11th क्लास में तो सारा जानेंगे। मतलब इस तरीके से रखना है कि तीनों के बीच में एंगल कैसी बने, 90 डिग्री की बने। ठीक, तो उन्होंने अपने हैंड से ऐसे समझाया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से तीनों को ऐसे कर लो। अब उन्होंने बोला कि ये जो हमारा थंब है, तीन उंगली को एक दूसरे के कैसे रखना है, ऑल द थ्री फिंगर्स, ऑल द थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यानी सर एक दूसरे से आपस में कैसा हो, परपेंडिकुलर रख दिया सर। कौन कौन सा फिंगर रखा, थंब, दूसरा ये है हमारा फोर फिंगर और ये है हमारा मिडल फिंगर। ठीक, यहां तक कोई डाउट। उन्होंने बोला कि देखो मिडिल फिंगर, यानी अगर आप बात करो तो ये पांच उंगलियां है, इधर भी दो इधर भी दो, इन दोनों को हटाओ तो ये बीच में आती है, पूरे बीच में, तो इसे हम सेंट्रल फिंगर भी बोल सकते हैं। और सी से क्या होता है, करंट, यानी मिडिल फिंगर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है सर। फोर फिंगर, किसी से लड़ाई होती है तो हम क्या बोलते हैं, अपनी औकात में रहो, ऐसे बोलते हो, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, ऐसा कुछ नहीं बोलते, बोलते अपनी औकात में रहो, यानी अपनी फील्ड में रहो। तो फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कि किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और किसी से लिफ्ट लेना होता है तो हमें क्या करते हैं, भैया जरा लिफ्ट देना, यानी क्या देना, फोर्स देना, ताकि हम आगे बढ़ सके। फोर्स क्या है, उस बाइक में जो एक्सेलरेटर दे रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो जो हमारा ये फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, थंब, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत है, फोर्स मतलब क्या हम मांग रहे हैं, मोशन मांग रहे हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्लेमिंग ने बोला कि ऑल द थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक थंब होगा, एक फोर फिंगर होगा, एक मिडिल फिंगर होगा। हमारा जो थंब होगा वो कैसे, लिफ्ट मानते भैया, लिफ्ट दे दो यानी मोशन दे दो, यानी फोर्स दे दो, थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी औकात में रहो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगा और सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल फिंगर है ये, दो इधर, तो ये वाले सी, सी मतलब करंट को रिप्रेजेंट करेगा और तीनों आपस में कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है सर। अब इसे जरा प्रैक्टिकली करके हमें समझाओ, जरा हमें दिखाओ यहां पे बोर्ड पे बना के। तो वो जानने से पहले थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ होती है
उसे हम डिनोट करते हैं बी से। किसे डिनोट करते हैं? बी से, कैपिटल बी से। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को वी से, करंट को आई से, उसी तरह वर्क को डब्ल्यू से, पावर को पी से, वाट से, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डिनोटेशन होती है वो बी से होती है। और बी की इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। निकोलस टेस्ला ने दिया था, उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट आई है टेस्ला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जरा हमें प्रैक्टिकल में समझाइए, बना बनाकर कि कैसे समझेंगे। ये बात तो हम समझ गए जो आपने समझाया, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये वाली पार्ट हमने क्या बताया सर, फोर्स कैसे बताया ये भी समझ में आया। चलो यहां फोर्स लिख लेते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि हम देख सके। ये वाली पार्ट क्या रिप्रेजेंट करती है सर? फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसको डिनोट करते हैं बी से, यूनिट होती है टेस्ला, तो इस पर बी लिख देते हैं सर। मिडिल फिंगर सी, करेंट मतलब सेंट्रल फिंगर है सी, यानी करेंट को रिप्रेजेंट करता है, सी लिख लिया। अब मान लेते हैं यहां पे कोई हमारा एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ साउथ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से जाएगी? अभी अभी हमने पुराना पूरा बहुत पढ़ रखा है, नॉर्थ से साउथ जाती है, इतना सारा वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख सकते हो, जाके फ्री लर्नर पे सर्च करो, पूरी इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब इसमें मान लो कि कोई एक वायर रख दिया जिसके अंदर करेंट जा रहा है, जिसकी लेंथ एल है। इसकी लेंथ क्या है? एल है, कुछ भी है, इससे करंट जा रहा है आई, कहीं से जुड़ा होगा कोई करंट, कहीं से किसी तरह से इससे करंट जा रहा है। तो हमने बोला कि भाई ये हमारी करंट है, करंट किधर है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है? इधर की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा? यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ये सी है करंट, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, तो फोर्स किधर की तरफ लग रही है? अंदर की तरफ। बात समझ पा रहे हो? देखो हमेशा ऐसा करो, जैसे ऐसे रखते तो नहीं ना कर पाते, ये करंट नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, तो ये फोर्स कैसा लगेगा? अंदर की तरफ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? इनवर्ड लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। मान लो एक दो और एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लेते हैं अब इसी में हमने ले लिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो बदल नहीं सकते हम, हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है। तो चलो इस लेंथ वायर एल का करंट का डायरेक्शन बदल देते हैं, नीचे की तरफ करंट कर देते हैं। एक ऐसा वायर है जिसका लेंथ एल है, जिसमें करंट पास कर रहा है, उसको हमने क्या किया? नीचे की तरफ कर दिया, तो नीचे करंट नीचे की तरफ, ठीक है सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ, करंट नीचे, दिख रहा है अच्छे से? करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, रख दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करंट किधर है सर? ऊपर है, तो ऊपर की तरफ रखना होगा, तो करंट सॉरी नीचे है, नीचे की तरफ रखना होगा, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, फोर्स कैसे है? बाहर। यानी इसमें फोर्स कैसा लग रहा है? आउटवर्ड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो इससे भी और इजी तरीका बताएंगे। जब भी फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल आए, एक मैजिकल रूल बताएंगे जिससे आप आसानी से कर जाओगे। ये पार्ट लिख लिया है आपने, इरेज करें इस पार्ट को, देखो ये पार्ट लिख लेना कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है। अब देखो हम इसको और कितना आसान कर देंगे। अब क्या करो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की जगह हमारा एक मैजिकल रूल कर लो। मैजिकल रूल क्या है सर? मैजिकल इसलिए लिखा मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है एनसीईआरटी, मैजिकल रूल मतलब मैजिक। हमारा है राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक, मैजिकल रूल, राइट हैंड पाम रूल है। देखो मैजिकल रूल को हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का पक्का। तो मैजिकल क्या है सर? ये क्या करो ना, ये पूरी पाम मतलब क्या, ये पूरा बना लो, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, चौथी उंगली थोड़ी छोटी, और ये थंब को इसके ऐसे रखो, और ये पाम बनेगा, ये पाम है हमारा, ये पाम जो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो पार्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, और ये वाली जो पार्ट है वो करंट की डायरेक्शन है। इसमें मेन समझना है, और ये जो पाम है ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। कैसे सर? अब पाम रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है? इधर की तरफ।
करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तमाचा मारते हैं ना, ये वाली पार्ट देखनी है. इधर से तमाचा नहीं मारते ना किसी को, ऐसे मारते ना 90% केसेस में. मारने वाला ऐसे भी मार देता लेकिन मारते कैसे, ऐसे. तो इस पार्ट को देखना, ये जिधर की तरफ मुड़ा होगा उधर की तरफ फोर्स लगेगा. देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, पाम फैला दिया. जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर, इसके बीच में 90 डिग्री के अंदर होनी चाहिए. फैला दिया करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर. इसमें देखो करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर. देख लो फोर्स बाहर, इसमें फोर्स अंदर. इनवर्ड है, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो या हमारा मैजिकल रूल, दोनों से सेटिस्फाई कर लो अपने आप को. इसलिए हमने बताया, देखो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है ना भाई, तो ये पूरी उंगली उधर चली जाएगी. और जिधर करंट है उधर करंट को कर लो, मतलब लेफ्ट हाथ से हमें करना था ना, या राइट हाथ से करना था? राइट हाथ में. इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमें अगर मैजिकल रूल लगाना है तो राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे. लेफ्ट हैंड पाम रूल नहीं, राइट हैंड पाम रूल. तो ऊपर करंट जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ फोर्स, ऊपर नीचे करंट जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ फोर्स आउटवर्ड. कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, ये पाम रूल भी समझ गए, यानी जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर कर दो. अब एक दो और आपको समझा के हम दिखाते हैं. अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही अभी बता रहे हैं, फ्लेमिंग का है. जैसे मान लो अगर कहीं पे ऐसा दिया गया क्रॉस 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 क्रॉस, इसका मतलब क्या है जानते हो? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड है. क्रॉस मतलब कॉर्डिनेट रूल बताया था, अंदर की तरफ जा रही है. कॉर्डिनेट रूल अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 5 या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कैसी है? इनवर्ड है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? इनवर्ड है. मान लो यहां पे कोई एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है? एल है, जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. आप चाहो तो दोनों रूल लगा सकते हो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रिप्रेजेंट करता है करंट ऊपर की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मतलब क्रॉस हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ. और इसी की जगह अगर आपके पास डॉट हो जाता तो इसमें समझते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? आउटवर्ड है. क्या आउटवर्ड है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और इसमें क्या इनवर्ड है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो इसमें इनवर्ड है. लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, करंट ऊपर, करंट ऊपर, ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो दिया हमने. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, तो फोर्स कैसा लग रहा है? इधर इसकी तरफ फोर्स लग रहा है. चलो सर पाम रूल देख के बताओ, पाम रूल लगाओ. करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर. करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर. पाम किधर लग रहा है? इधर लग रहा है. देख रहे हो बात को? इजी है. इसमें दोनों रूल से समझते हैं. इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? आउटवर्ड है. करंट इसमें भी मान लो ऊपर जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, करंट ऊपर, तो फोर्स देखो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, करंट ऊपर, तो फोर्स इधर की तरफ. ये फोर्स की क्या है? डायरेक्शन है. ये फोर्स की क्या है? डायरेक्शन है. पाम रूल लगाओ. करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ. बाहर की तरफ करंट, ऊपर की तरफ. देख रहे हो पाम रूल? बाहर जा रहा है, दिख रहा है अच्छे से, चले गए बाहर. ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई. कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा? आपको बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर फ्लो कर रहा है, करंट नहीं देगा. बोलेगा इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है. तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है. यानी ये डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी तो अब करंट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे आएगा. अब करंट की डायरेक्शन में पाम को रख लेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड रूल पहले लगा के देख लेते. बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर की तरफ करंट, तो फोर्स कैसा लग रहा है? इसकी तरफ, क्योंकि पिछले केस में क्या था? करंट ऊपर था. इधर फोर्स लग रहा, पाम रूल लगाओ, करंट ऊपर. बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? कोई डाउट नहीं? चलिए वेरी गुड. ये सब चीजें अगर आप समझ गए, हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे. ये सब चीजें अगर आप समझ गए तो देखिए, अब आप जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो आपके लिए कितना आसान है. फोर्स ऑन अ
करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. आप क्या एनसीईआरटी में बुक में दिया गया, पहले तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया. हम आपको फोर्स का फॉर्मूला भी बताएंगे कितना फोर्स लगेगा, पहले समझना ज्यादा जरूरी है. यानी या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा ले या फिर राइट हैंड पाम रूल लगा ले. ठीक, लेफ्ट में राइट हैंड पाम रूल का बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड पाम रूल नहीं. फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि मान लेते हैं ये कोई स्टैंड है ऐसे, यहां पे इस स्टैंड से हमने क्या किया है, एक वायर को ऐसे ऐसे लपेट कर नीचे ले गया है और इससे मान लो एक किसी चीज को ऐसे लपेट लिया है हमने. ये कोई हमारे पास कुछ भी है, आयरन रॉक सब्सटेंसेस है, कुछ भी एक डायग्राम बनाया गया छोटा सा. हम आपको इसका बेसिक समझाना चाहते हैं. देखो ऐसा कुछ बंधा हुआ है इससे और एक वायर इधर से पूरा बंधा हुआ है अच्छे से और ऐसे लपेट के लाया गया है और ये वायर फिर इधर से भी कुछ बंधा हुआ है. ये वाली वायर जो है ऐसे कुछ कनेक्टेड है, मान लो इधर से ही कुछ कनेक्टेड होती. देखो अच्छे से इसका डायग्राम भी बना देते. देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, एकदम इजी है समझने के लिए. मान लो ये ऐसे हमारे पास कोई आयरन लाइक सब्सटेंसेस है या कुछ भी है, इसके ऊपर हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट डाल दी. मान लेते इसकी नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, ये हमारा कुछ है, ये सीधा ऐसे रखा गया इसके बीच में. इसको मान लो इसमें हमने करेंट पास कराया, स्विच लगाए, इसमें हमने करेंट मान लो इधर से पॉजिटिव निगेटिव ऐसे पास कराया. सर ये ऊपर खड़ा कैसे रहेगा खुद ब खुद, उसी के लिए ऐसा बनाया था, कंफ्यूज नहीं करना था. उसको स्टैंड कर दिया किसी चीज से, यहां स्टैंड कर दिया. अब कहता है मान लो ये रॉड है कुछ भी है, ए बी है, ये करेंट कैरिंग कंडक्टर है. मान लो ये करेंट पास हो रहा है, ये स्विच था हमारा, स्विच भी हटा देता, अभी समझते करेंट डायरेक्ट पास हो रहा है. करेंट किधर आ रहा, इधर आ रहा, ये करेंट इधर घूमते हुए इधर आएगा और ये करेंट इधर से जाके फिर इधर निकलेगा. यानी करेंट की डायरेक्शन अगर हम देखें इस रॉड में तो कैसी है, ऐसी है. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ, ठीक है सर. यानी हमारे पास क्या है, करेंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करेंट की डायरेक्शन किधर है, देखो अच्छे से समझो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, करेंट की डायरेक्शन किधर है, ये हमारा करेंट, करेंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, सॉरी इधर की तरफ, ये आ रहा है ना. देखो इधर से प्लस 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 करेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ, तो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस होगा, नीचे की तरफ. इसको देखो अलग से अगर हम समझाना चाहें तो कैसे समझोगे, ये मान लेते हैं हमारा नॉर्थ है, ये हमारा मान लेते हैं साउथ है. इसको बीच में कैसे रखा गया, परपेंडिकुलर ऐसा ही रखे हो ना, कुछ ऐसे जा रहा है उसके बीच में ऐसे ही रखे हो ना, कुछ रखे हो, देख रहे हो. और करेंट कहां से जा रहा है, बी से ए, मान लेते हैं ये ए है ये बी है, तो बी से ए जा रहा है. यानी करेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर तरफ है, तो करेंट की डायरेक्शन इधर है, आई है हमारा देखना. तो करेंट की डायरेक्शन में हमने अपने इसको कर लिया, इस वाले फिंगर को देखो कैसी फोर्स लग रही है, इनवर्ड. कैसी फोर्स लग रही है, इनवर्ड लग रही है. अब इसी में करेंट की डायरेक्शन को हमने बदल दिया, इस पॉजिटिव निगेटिव को बदल दिया, इधर निगेटिव पॉजिटिव फिर यहां पे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव. अब करेंट किधर से पास कर रही है, इधर से आ रही है और इधर निकल रही है. यानी अब किधर से जा रही है, ए से बी की तरफ. यानी करेंट की डायरेक्शन हमने क्या की, दूसरे में समझा देते, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये जो हमारा बीच का वायर था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही है. अब ए से बी नीचे की तरफ आ रहा है, करेंट की तरफ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, किधर लग रहा है फोर्स, आउटवर्ड, आउटवर्ड. कैसा लग रहा है फोर्स, आउटवर्ड. तो कहता है कि जब हम इसको कैसा रख रहे हैं, परपेंडिकुलर. कहता है कि आप आपके बुक में एक चीज दिया, ये समझे कि नहीं समझे, पक्के से इजी था, ज्यादा टफ नहीं है. देखो अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया तो आपको सिर्फ करेंट की डायरेक्शन रखनी है. करेंट की डायरेक्शन इधर किधर है, इधर की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, देखो करेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, ऊपर की तरफ, पाम रूल लगाओ, इनवर्ट है, इनवर्ट है. देखो इसमें भी देखो पाम रूल लगाओ, अगर इसमें आप बाहर की तरफ रखते हो तो देखो ये नीचे की तरफ करेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, आउटवर्ड है करेंट की डायरेक्शन, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, इनवर्ट है. पाम रूल से भी समझ सकते हो आप, प्रॉब्लम नहीं होगी. जिधर से करेंट जा रहा है
उधर करंट की डायरेक्शन, जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है ना, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसी चीज को यहां समझाया हमने, अंदर की तरफ अगर करंट का डायरेक्शन मान लेते इधर से आ रहा होता और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर है, करंट इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से, फोर्स किधर रहेगा, आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड तो लिख लो। अब आपके बुक में क्वेश्चन आता है कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखेंगे, देखो इस क्वेश्चन को समझो, यहां पे लिख देते हैं, कहता है व्हेन वी पुट अ करंट, व्हेन वी पुट अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखेंगे, यानी मैग्नेट के फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर यानी इज डी इन डी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन the force experienced is maximum। क्या मतलब है सर इसका? कहता है कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की जो डायरेक्शन है या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें ऐसे रखा था, इसमें भी ऐसे ही रखा, बस करंट की डायरेक्शन अलग है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में 90 डिग्री की बनेगी एंगल, 90 डिग्री की एंगल बनेगी तो सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और जब अगर 180 डिग्री की एंगल बनेगी ये वाली तो सबसे कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसको भी डिक्टेट करते हैं, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये बात समझ में आया? पक्का पक्का, ज्यादा टफ नहीं। देख लो, करंट जब इधर से पास कर रहा था इधर वाली आ रही थी तो करंट की डायरेक्शन ये थी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर था तो अंदर चला गया इनवर्ड, जो हमने इसमें समझाने की कोशिश की थी, करंट की डायरेक्शन ये थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये थी तो अंदर, ये वाली पार्ट। जब हमने इधर से करंट पास कराया था तो कैसे जा रही थी? करंट की डायरेक्शन ये थी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ तो हमेशा रहेगा, वो तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉर्स टू मैग्नेट है, मैग्नेट है ये हमारा बाहर की तरफ। इसमें भी यही समझाने की कोशिश की थी, बाहर की तरफ। यानी अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल समझ में आता है तो फोर्स किस तरफ लगेगा ये आप फाइंड आउट कर लोगे, जिधर करंट उधर की तरफ ये और जिधर पाम उधर की तरफ फोर्स। अब न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। क्या कहा? ये जो आपने थ्योरी लिखी है सर, कि मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें दिया गया बी इक्वल टू 2 टेस्ला, यूनिट क्या है? टेस्ला दिया गया। मान लो इसमें एक करेंट पास कर रहा है आई, मान लो 5 एम्पियर पास कर रहा है, तो फोर्स निकालने का तरीका है हमारे पास, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो अभी तक आपके लिए इनफ है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए बताया जाएगा, कभी भी उसकी वैल्यू निकालने के लिए ना केवल आपको पूछा जाता है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, तो आईसीएसई में लेकिन बहुत काम आएगा। फोर्स अगर है हमारे पास तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा, यानी कितना करंट पास कर रहा है, कितने लेंथ की वायर है, मान लो इस वायर की लेंथ हमने दे दी 2 मीटर, और कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना करंट पास कर रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है और कितनी लंबी वायर है, वो डिसाइड करेगा कितना फोर्स लगेगा। तो जब करंट ऐसे पास कर रहा था तो लेफ्ट हैंड रूल लगा या पाम रूल लगा लेते हैं, हमारे लिए आसान है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट, तो ये तो समझ गए कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। चलिए, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट ऊपर अंदर की तरफ, ठीक है सर। थीटा कितना है? तो देखो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, 90 डिग्री है, थीटा क्या है? 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में साइन थीटा, साइन 90 डिग्री क्या होती है? 1 होती, ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहां से एफ इक्वल टू क्या हो गया? आई बी एल, आई की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू रख दो, तो एफ इज इक्वल टू आई कितना है हमारे पास? 5 एम्पियर इंटू 2 टेस्ला, और लेंथ कितना है? 2 मीटर, तो एफ इज इक्वल टू 5 टू जा 10 टू जा 20 न्यूटन।
इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कैसा फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ। कोई दिक्कत? अब मान लो इसी क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा बदल दिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 और करंट नीचे की तरफ, अभी भी थीटा, ये हमारा करंट है, अभी भी थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री। कोई दिक्कत? थीटा 90 डिग्री है, बी है मान लेते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बी है हमारे पास, इसकी लेंथ हमारे पास मान लो 2 मीटर है, ये 4 एम्पियर है, ये 3 टेस्ला है, थीटा 90 डिग्री, यानी फिर एफ इक्वल टू आई बी एल लगाओगे और निकाल लोगे, कोई दिक्कत? लेकिन इसी की जगह नॉर्थ साउथ और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वायर का करंट भी ऐसे ही पास करा दिया, तो अब पाम रूल लगेगा, करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तीनों एक डायरेक्शन में आ गए, लेफ्ट हैंड भी रूल लगाने के चाहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर करंट मिल जाएगा, देखो ऐसे दोनों एक ही डायरेक्शन, ये करंट मान लो आई है बीच में और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मिल जाएगा मिल जाएगा, कभी भी बन पाएगा, यानी यहां पर थीटा क्या है 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं बन रही है 0 डिग्री, यानी यहां पर क्या हो जाएगा एफ 0, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0, तो यहां से क्या हो गया 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो इसीलिए जब हम इफ द करेंट करेंट कंडक्टर इज पुट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन फोर्स एक्सपीरियंसड इज 0। दो पॉइंट यहां से हमने सीखा, अब न्यूमेरिकल समझ गया ना कैसे निकालोगे, एक चीज और समझ लो, एक दो पॉइंट और समझ लो, यहां से लिख लिया होगा आपने, तो पहला पॉइंट हमने सीखा वो पॉइंट था हमारा, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पक्का कमेंट करना, हम फिर से इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे इसके बाद, क्योंकि डीसी मोटर समझने में यही हमें ये एप्लीकेशन है डीसी मोटर का, जो हम आपको जब बताएंगे तो डीसी मोटर का एप्लीकेशन होगा। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि व्हेन द करेंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज 0, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आई बी एल साइन थीटा, और ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ और करंट की भी डायरेक्शन इधर है, तो एंगल क्या हो गए, करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों एक साथ, तो थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहां से एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन 0 डिग्री, दैट इज 0। दूसरा बात कहता है कि व्हेन द करेंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन द डायरेक्शन ऑफ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर ड्यू टू अ मैग्नेट इज मैक्सिमम। क्यों सर? ये मैक्सिमम होगा, इसका एग्जांपल यहां समझा देते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ जा रहा है करंट, या तो इधर जा रहा हो या सिर्फ डायरेक्शन फोर्स की अलग होगी, बाद बाकी दोनों केस में या इधर जा रहा हो, एफ थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, दोनों केस में यहां भी 90 यहां भी 90, तो एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आई बी एल, एफ इक्वल्स टू आई बी एल, यानी दो ही केस होगा। यहां तक आपको कोई डाउट? पक्का पक्का समझ में आया अच्छे से? अब देखो छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? पक्का पक्का समझ में आ गया अच्छे से? अगर आपने लिख लिया होगा सब चीज समझ में आ गया होगा, और अभी अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया, एफ इज इक्वल टू आई बी एल, थीटा मान लेते हैं 90 डिग्री,
हाँ 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा। यहां से B अगर हम लिखे तो F अपॉन आई एल लिख सकते हैं, F की यूनिट न्यूटन, I की यूनिट एम्पियर और लेंथ की यूनिट मीटर, यानी 1 न्यूटन एम्पियर मीटर इज 1 टेस्ला। ये बात भी समझ सकते हैं, टेस्ला ऐसा यूनिट है और ये यूनिट यहां से पाया कि व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड व्हेन एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर। मतलब व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्ट बाय 1 एम्पियर ऑफ करंट इन 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर कॉल्ड 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें लगता है कि आपको अच्छे से अगर आप एक दो बार देखोगे तो आई गारंटीड कि इस टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत कोशिश की हमने आपको समझाने की और बहुत आसान तरीके से, सिर्फ हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझना था और या फिर राइट हैंड पाम रूल समझना था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे अच्छे से कॉमेंट कीजिए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।